बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार खेल एकेडमी स बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन आज किया गया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग उसी खेल विश्वविद्यालय राजगीर में हैं और राजगीर में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप सामने में तस्वीर देख रहे हैं, ये राज्य खेल एकेडमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है जो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। लाल लाल ईटा जो नालंदा की अपनी पहचान है, उस पहचान को ये प्रदर्शित कर रही है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। उनके साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावे बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के अलावे कई और मंत्री रहे, श्रवण कुमार थे, उसके अलावे कई नालंदा के विधायक थे, तमाम जो अमला था उनके साथ मौजूद था और आज इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हम आपको बता देते हैं कि 750 करोड़ की लागत से राजगीर में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है और 90 एकड़ में ये स्टेडियम फैला हुआ है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार खेल एकेडमी से खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के जितने भी खिलाड़ी थे जो देश और दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं, बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले में एक जमुई सदर की विधायिका श्रेयसी सिंह है जो देश और दुनिया में बिहार के नाम को गौरवान्वित की है, उन्हें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। 50 लाख रुपया नगद चेक जो है उन्हें दिया गया है सम्मान के रूप में, ताकि इस सम्मान से बिहार के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें प्रोत्साहन आ सके, वो उत्तेजित हो सके कि इस खेल में हम आगे बढ़ सके हैं। तो निश्चित तौर पर खेल प्रेमियों के लिए एक सौगात है और बिहार को आज ये सौगात समर्पित कर दिया गया है। और नालंदा की अगर हम बात कर लें तो नालंदा तो ऐसे भी हमेशा ज्ञान की धरती रही है और ज्ञान की धरती पे ही एक बार फिर से राज्य खेल एकेडमी से बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और ये स्थापना जो है शिलान्यास इसका 12 अक्टूबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और लगभग 6 साल बाद ये खेल विश्वविद्यालय बन करके तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसा कि आप इधर देख लीजिए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है और इस खेल विश्वविद्यालय में कुल 24 प्रकार के खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बिहार के खेल प्रेमी हैं उनको 24 तरह के खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम है और तरह तरह का जो यहाँ खेल होगा वो तमाम चीजें दी गई है। और इस स्टेडियम में फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल स्टेडियम, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, कुश्ती, भारतोलन, कबड्डी, बैडमिंटन, इन तमाम जितने भी खेल हैं उन तमाम खेल के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। जैसा कि देख लीजिए ये निर्माणाधीन जो क्षेत्र है उन तमाम जगहों पर तरह तरह के खेल का स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार इस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। खास बात तो यह है कि जो भी यहाँ खिलाड़ी रह करके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको रहने के लिए यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है, उनके भोजन के लिए बेहतर भोजनालय की व्यवस्था की गई है और ये खेल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है। इस खेल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति हैं वो 2011 बैच के IAS अधिकारी रजनीकांत हैं और उन्हीं के जिम्मे में इस खेल अकादमी को दिया गया है, ताकि वो इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा उसको निश्चित तौर पर आगे ले जा सके। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर बिहार के जो खिलाड़ी रहते थे वो मायूस हो जाते थे क्योंकि उन्हें दूसरे स्टेट से या तो खेलना पड़ता था या फिर उन्हें संसाधन की कोई कमी नजर आती थी। लेकिन अब बिहार में संसाधनों का लगातार विकास किया जा रहा है, लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है, संसाधन परिपूर्ण किया जा रहा है, ताकि बिहार के जो भी क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं वो उस क्षेत्र में जाकर के बिहार को गौरवान्वित करा सके। जैसा कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण उसी उद्देश्य से कराया गया और पंच पहाड़ियों की हसीन वादियों में इस राजगीर के खेल अकादमी में आकर के देश और दुनिया के लोग यहाँ की हसीन वादियों का भी आनंद उठाएंगे, साथ ही साथ यहाँ जो खेल होगा उसका आनंद उठाते हुए यहाँ से एक सुखद संदेश ले जाएंगे। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है।